नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। ये है डिस्क्लेमर, इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो में एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एनालिसिस है कल का भैया, 28 मार्च मंगलवार का दिन रहेगा। और हमने आज सुबह सुबह निफ्टी में बाई की पोजीशन ली 9:23 पे। SL 16900 लगा के 925, टारगेट 17020, 17050, 17100 और आज का हाई आपने देखा होगा 17090 के अराउंड हमको देखने को मिला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल हमको क्या व्यू है, मतलब कल के लिए। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे सब कुछ शेयर कर चुका हूँ आपको, अगर आप 3:15 या 20 के अराउंड मार्केट व्यू इज पॉजिटिव फॉर टुमारो 3:10 पे। ठीक है, एक अचानक से 100-125 पॉइंट की गिरावट लास्ट में देखने को मिली हमें, और उसके बाद जो क्लोजिंग जो देखने को, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो जो ओपनिंग हुई थी, जो मार्केट की ओपनिंग थी वो थी 16,984, इससे ऊपर क्लोजिंग आई है जस्ट एक पॉइंट, 16,985। खैर ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कैंडल जो बन गई है ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, यहां से और जो लो लगा है मार्केट का, एक आइडेंटिटिकल टाइप लो है, ये वाली कैंडल का लो है 16,917, आज वाली कैंडल का लो है 16,918। लगभग इसी के पास से आके जंप देके मार्केट ने अपने 10 EMA को रिटेस्ट किया और वहां पे कोई एल्गो लगी थी जिस एल्गो को ट्रिगर हुआ और मार्केट डटाक करके नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, जैसे ही 17,090 को इसने टच किया, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे ये इसने 2 के बाद किया 17,090 के आसपास, 3 के लगभग, वहां से एक ऐसी 100-125 पॉइंट की गिरावट आई और नीचे की तरफ निफ्टी दोबारा से 16,950 के आसपास आ गया था। ठीक है, हालांकि जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो बिल्कुल एक डोजी टाइप का इसने कैंडल बना दी है और ये सपोर्ट ही है एक तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही क्लोजिंग है जो हमें 16,945 के लगभग मिली थी। तो आप पोजिशनल अगर ट्रेड ले रहे हैं, पोजिशनल जो मैंने वहां पे अपडेट किया था, एनी क्लोजिंग बिलो दिस लेवल शुड बी योर SL एंड टारगेट इज 17,200। ठीक है, 17,300। ठीक है, 17,200 से 300 के बीच एक बार तो आना चाहिए अगले 4 से 5 दिन में, या फिर इसी फ्राइडे तक। ठीक है, एक बार 17,200 से 300 के बीच आना चाहिए, अगर 300 को क्रॉस कर लेता है तो फिर घर खुल जाएगा 17,600 और 17,800 का। ठीक है, बट ये बाद की बात है, लेट से ही पहले 17,200 तो पहुंचे, 2 से तो 17,100 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, व्यू बुलिश ही है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप अगर कोई हो सकता है तो वो सेलर ही हो सकता है, बायर यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा। बड़ा ही विचित्र टाइप का मार्केट था, 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे 1 घंटा ऊपर फिर नीचे और नील बटे सन्नाटा टाइप मार्केट यहाँ पे बंद हो गया। तो ये कोई पैटर्न रीड करने लायक तो नहीं है। ठीक है, इसमें कि भाई ये बुलिश पैटर्न है या वैसा पैटर्न है, सिंपल सी बात है, व्यू पॉजिटिव ही है। आप इंट्राडे अगर ट्रेड लेते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इंट्राडे ट्रेड लेते हैं 17,020 के ऊपर बाय करिए, टारगेट 17,050, 17,090 एग्जिट मार दीजिए जो आज का हाई लगा, फिर सेल करना है। मैं सेल साइड में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मार्केट को सेल नहीं करना चाहता। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अगर इन एनी केस 17,110 को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 17,090 पॉइंट हो जाएगा आपका SL, और बाय करिए ऊपर के लिए 17,150, 17,180 प्रॉफिट बुक। ठीक है, 180 के आसपास प्रॉफिट बुक। सेल करना है इस नहीं करना, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, नीचे गिरता है गिरने दीजिए, सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, प्राइस एक्शन क्या दिखाएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अगर फर्दर बाय, 17,200 कितना लेवल था यार, वो यहाँ पे कहीं टच हुआ था ना, ये जो कैंडल पे टच हुआ था, ठीक है, इसको
ये अगर क्रॉस करेगा नहीं करेगा, तो यहां से तो काफी ऊपर है, 200 पॉइंट ऊपर है, बट मुझे लगता है कि कल मार्केट में एक बार 17,100 क्रॉस कर सकता है निफ्टी। ठीक है, 17,100 निफ्टी कल क्रॉस कर सकता है और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमको और देखने को मिली। आज जैसे ही इसने 17,050 क्रॉस किया और बैंक निफ्टी ने 39,550 क्रॉस किया, वहां से भी हमें एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और निफ्टी में भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो कल भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। जैसे ही निफ्टी 17,020 के ऊपर निकले, आप बाय करिए उसको। तो सिंपल स्ट्रेटजी है इंट्राडे के लिए। पोजिशनल मैंने बता दिया आपको, 16,945 इस लेवल के नीचे कोई भी क्लोजिंग आप रखते हैं तो वो आपका एसएल हो जाएगा और आप 10 दिन के लिए पोजीशन बना के रख सकते हैं। मतलब 6, 11 या 12 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसमें पोजीशन बना सकते हैं और 5 से 6 अप्रैल तक हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें सबसे पहले 17,200 से 17,300 इसके बीच एक बार निफ्टी देखने को मिल सकता है, और 300 भी क्रॉस हो गया तो फिर 17,600 17,800 तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 6 अप्रैल तक की मैं बात कर रहा हूँ, बट उस 6 अप्रैल की ही एक्सपायरी मत लीजिएगा, 7 अप्रैल को फ्राइडे होगा तो उससे अगले वाले वीक की एक्सपायरी में ये ट्रेड आपको लेना है कोई भी अगर आप सी बाय करते हैं। तो एसएल बहुत छोटा है, 945। चलिए क्लोजिंग का वेट मत करिए, इसके नीचे आधा घंटा भी रुक जाता है ना, ठीक है, तो निकल जाइएगा, सिंपल सी बात है, 30 मिनट क्लोजिंग का वेट नहीं करना। तो ये हो गया आपका निफ्टी। बात करते हैं बैंक निफ्टी, सिंपल सिमिलर टाइप के चार्ट पैटर्न है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा खासा चला गया था इसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों वही है 39,550 जहां पे ये दो कैंडल को क्रॉस करेगा, यहाँ पे बाय करिए विद एसएल ऑफ 39,470। टारगेट जो आज का टॉप है पहला 39,700 के अराउंड, दूसरा 39,800 के अराउंड और तीसरा ये टॉप, बट इससे पहले 40,000 इसको एक बार रोकेगा। तो ये तीन टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं कल ही, इंट्राडे पे लेना है ये 39,550। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। आपका व्यू मेरा बुलिश ही है और मार्केट में बाई साइड ही रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, आप लोग को बहुत ज्यादा जानकारी है। जैसे काफी लोग कहते हैं कि कुछ आता नहीं है, तो सच में मुझे कुछ नहीं आता है, जो भी छोटा मोटा पता है मैं उसके बेस पर वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है, आपको ज्यादा पता है, तो प्लीज आप जो लगता है आप वो करिए, मेरी सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है उस तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। माय व्यू इज बुलिश, मैं बुलिश साइड हूँ मार्केट में, मैं सेल साइड नहीं बैठा हूँ, छोटा सा एसएल है उसको लेके बैठा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।